जब पहले ये टनल बनी नहीं थी तो ओल्ड रास्ता जाता पटनी टॉप होते जा रहा था। अभी ये एशिया की सबसे बड़ी टनल है, 9 किलोमीटर लंबी, वो भी आपके कटरा श्रीनगर हाईवे पे। जाम के हालात देखो, दोनों साइड की लेन पूरी पैक्ड है और यानी कितने किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। आगे जाके देखता हूँ, थोड़ा देखने को मिल जाए कि क्या है। ऐसे देखो सारी चारों गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो आप सभी को जय माता दी। हम लोग रुके थे होटल विक्रांत में, बिल्कुल निहारिका कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पीछे है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो भैया हैं विक्रांत होटल के ये ओनर। तो हम लोग कहते, तो भैया ने हमको पैकेज दिया और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये प्रोग्राम वाला अचानक बना, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से श्रीनगर, मतलब कटरा श्रीनगर। यहाँ से डायरेक्ट कोई बस नहीं जाती, तो हम लोग को तय पैसा लगा था, तो भैया पैकेज सही देते हैं। जब आप आओगे तो इनसे पैकेज लेके आप पूरा कश्मीर घूम सकते हैं। तो रीजनेबल प्राइस में आपको कश्मीर की राइड और होटल वगैरह आपको यही कटरा से मिल जाएंगे। पहले वैष्णो देवी आओ घूमने के लिए, उसके बाद भैया से पैकेज लो और घूम घाम के वापस आपको ये कटरा छोड़ देंगे, जहाँ आप बोलो वहाँ आपको ये ड्रॉप। तो कैसा लगा सरप्राइज ट्रिप? बहुत बढ़िया लगा कि आगे क्या होगा देखते हैं। तो मम्मी पापा लोग के लिए ये ट्रिप सरप्राइज हो गया कि ये लोग सोचते वैष्णो देवी जाएंगे और स्वर्ण मंदिर, लेकिन उनको साथ साथ में हम लोग लेके जा रहे हैं श्रीनगर, ताकि वहाँ के डल लेक घूम के आए और भी आगे श्रीनगर के आगे क्या क्या होगा ये वहाँ जाके देखेंगे। ये अला ब्लॉक पूरा देखना, यहाँ से कटरा से श्रीनगर तक का रास्ता कैसा है, क्योंकि तो बीच में थोड़ा लैंड स्लाइड का प्रॉब्लम था इस रास्ते में, लेकिन अभी देखो कैसी रोड बन चुकी है और कौन कौन से विजिटिंग प्लेस आएंगे कटरा से लेके श्रीनगर तक घूमने के लिए और कैसा रास्ता है। क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल एकदम है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कश्मीर आना एक सपना था और कश्मीर देख के देखते हैं कि कैसा है, बाकी जितना खूबसूरत लोग बोलते हैं वैसा ही है कि नहीं। पर है माँ वैष्णो धाम, माँ वैष्णो जी का मंदिर, यहीं से आपको अर्धकुमारी भी जाएगा और ये है यहाँ का बस स्टैंड जहाँ के लिए आपको बस मिलेंगी। वो ऊपर अर्धकुमारी मंदिर है वहाँ पे और ये पूरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है माँ वैष्णो जी मंदिर। हेलीकॉप्टर देखो सुबह सुबह जाने लग गया है, हेलीकॉप्टर की पायलटिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी, हेलीकॉप्टर की और आपकी जो ई कार्ड होती है उसकी आपको पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, बाकी रजिस्ट्रेशन आपका ऑन द स्पॉट भी आएगा और आप ऑनलाइन भी उसको कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको घोड़ा पालकी के लेना है तो वो भी आपको स्टैंड यहीं पर आके मिल जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको हेलीकॉप्टर और ई कार्ड और होटल ऊपर भवन में रहने के लिए वो आपको पहले बुक करने पड़ेंगे, वरना वहाँ आके आपको तकलीफ। तो पिछला वाला ब्लॉग आप देख लेना माँ वैष्णो देवी माता वाला, और ये वाले ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर से यानी कटरा से श्रीनगर। तो भाई साहब हमारे आ गए हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं। ये है कुछ कटरा का मार्केट, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं मॉर्निंग का पेपर पढ़ रहा था, तो मॉर्निंग के पेपर में ये लिखा हुआ था कि भैया पर डे मतलब 25,000 लोग आजकल माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो चौक है सीजर चौक, यहीं से आपको मिल जाएगा ऑटो वहाँ तक के लिए, बाणगंगा के लिए 150 रुपये में आप बाणगंगा जाओगे और वहाँ से आपको फिर पैदल यात्रा करनी है या घोड़ा पालकी जो आपकी इच्छा है। अर्धकुमारी तक आप पैदल जाके वहाँ से ई कार्ड से भी जा सकते हैं अगर आपने ई कार्ड पहले बुक की हुई है। तो यहाँ पर पहले स्टॉप पर हम पड़े हैं काल भैरव और शनिदेव मंदिर पे। ये हम लोग जम्मू से करीब आपके नहीं कटरा से करीब आपके 20-30 किलोमीटर दूर आ गए, तो ये हुआ मंदिर।
यहाँ से एक रास्ता चल गया पटनी टॉप को, 20 किलोमीटर दूर यहाँ से पटनी टॉप पड़ेगा, दूसरा रास्ता बनियाल और श्रीनगर को, यहाँ से ऊपर की ओर को। तो बीच में मतलब करीब हम लोग आगे कटरा से कितना दूर, 50 किलोमीटर आगे होंगे, 50 किलोमीटर बाद ये रास्ता कटेगा। उधर देखो ना सामने आसमान, उधर मतलब बादल लगे हुए जिस साइड में, तो वहाँ पर पहाड़ों के टॉप में बर्फ बर्फ दिख रही है और पटनी टॉप हो रही है। तो ये रास्ता देखिए इतना खूबसूरत बना हुआ है वन वे में, तो आप अगर अपनी गाड़ी से भी आना चाहें तो तब भी आप आ सकते हैं। ये सबसे खूबसूरत टनल आने वाली है, वो भी है आपके 9 किलोमीटर लंबी। बिल्कुल अभी मैं जो रास्ता आपको पहले दिखाया था पटनी टॉप का, वहीं से ये टनल स्टार्ट होने वाली है। देखिए टनल स्टार्ट हो गई पूरी, किलोमीटर की टनल है पूरी 9 किलोमीटर। जब पहले ये टनल बनी नहीं थी तो ओल्ड रास्ता था पटनी टॉप होते जा रहा था, अभी ये एशिया की सबसे बड़ी टनल है 9 किलोमीटर लंबी, वो भी आपके कटरा श्रीनगर हाईवे पे। तो ये ऊपर हिस्सा है जो है पटनी टॉप का, यहाँ पर बीच में ये एक डैम पड़ता है रामायण डैम, और ये नीचे है पूरी वैली, काफ़ी खूबसूरत है देखिए ये वैली, और क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ से। हम उस रास्ते से आए थे इधर से, ऐसे जाना है हमको इधर को, तो हम रुके हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पर राजमा चावल काफ़ी अच्छा मिलता है ऐसा बोल रहे थे। देखो हम लोग पिछले एक घंटे से जाम में फंसे हुए, और ये जाम पता नहीं कब खुलेगा, राम मार्ग के पास ये जाम लगा हुआ है। क्या नाम है? रामबन है ना, रामबन के पास ये जाम लगा हुआ है। जाम के हालात देखो, दोनों साइड की लेन पूरी पैक्ड है, और यानी कितने किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, आगे जाके देखता हूँ थोड़ा देखने को मिल जाए कि क्या है। ऐसे देखो सारी चारों गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो ये बहरी नीचे चेनाब नदी, आप देख सकते हैं जाम में बहुत दूर से आया चल के, वहाँ 1 किलोमीटर पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये जाम देखो आगे तक कहाँ तक लगा हुआ है, यानी कि आज हमको बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ से श्रीनगर पहुँचने में। लेकिन नदी और ये घाटी काफ़ी खूबसूरत है, देखो ऑलमोस्ट इस साइड जो रोड है और उस वाली साइड वाली रोड में भी जाम लगा हुआ है। तो ये जाम खुलना मुश्किल लगा क्योंकि इसमें गाड़ियाँ क्रॉस ही नहीं हो रही, आगे बढ़ ही नहीं रही है, ना उस साइड से गाड़ी इधर को आ रही है ना इधर से उधर को गाड़ी जा रही है। तो यानी कि कोई बोल रहा था कि आगे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन है, और वहाँ पर आज बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से। तो सेम उत्तराखंड जैसा हाल यहाँ पर भी है, जैसे वहाँ की चार धाम यात्रा में लंबी लंबी कतार लग जाती है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी चल रहा है। टाइम देख रहे हो आप 4:44, ये 4:44 हो गया 3 चौके, और अभी भी हम जाम में फंसे, मतलब दिन के 12:30 बजे से लेके अभी तक जाम में फंसे। अभी मौसम थोड़ा दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी मौसम थोड़ा हो गया, ठंडी हवा चल रही है, उधर सूर्यास्त होने वाला है, इधर जाम वाला लैंडस्लाइड वाला दिख रहा था आपको, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड वाला था, तो आप लोग जिस वजह से जाम में फंसे ना, हम बात करते हैं, तो वो लैंडस्लाइड एरिया ही है, इसकी वजह से हम जाम में फंसे।
के वहाँ तक करीब आपके पूरा 4 किलोमीटर दूरी है। एक्चुअली कटरा से चलने के बाद अभी तो ऐसा फील नहीं आ रहा कि हम लोग JNK में हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में ही ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे सैर कर रहे हैं। सेम टू सेम मतलब वही सिचुएशन है, वैसा ही जाम, वही 4 लेन का काम और ऐसा मार्केट जो चमोली में है ना, उधर चमोली है, उधर सामने आपके गोपेश्वर है, तो सेम वही मार्केट से पीपलकोटी की मार्केट या सब कुछ सेम वही कंडीशन लग रही है यहाँ पर भी। अब आगे जाके क्या नज़ारे चेंज होंगे वो तो भगवान जाने, लेकिन मतलब अभी तक की सिचुएशन फिलहाल यही है। तो बहुत मतलब चढ़ाई बहुत है ना, तो बहुत जद्दोजहद करने का हम लोग पहुँचे हैं बनिहाल। अभी बनिहाल मार्केट की बनिहाल के बारे में विशेषता बताता हूँ, कहीं पे चाय के लिए रुकेंगे तो वहाँ से आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ बनिहाल मार्केट के और बनिहाल सिटी के। तो यहाँ तक बनिहाल तक जो रोड की हालत है वो है बड़ी खस्ता, मतलब शुरुआत में तो सही थी, उसके बाद से करीब राम बाण से बहुत पहले से ये रोड हो गई खराब। तो ये यहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं बनिहाल, यहाँ से श्रीनगर का जो है 4 लेन हाईवे चालू हो गया। ये पीछे देखिए यहाँ पे है बनिहाल का रेलवे स्टेशन इस साइड में, तो आप इस रेलवे स्टेशन से श्रीनगर जा सकते हैं। आपका प्लान था यहाँ से उधर जाने का, लेकिन क्या हुआ निहारिका, हमारा प्लान कैसा हो गया ट्रेन वाला? निहारिका की देखो कैसी हो गई हालत खराब। हेलो, क्या हो गया निहारिका की हालत? बिल्कुल धूलते हुए खस्ती खस्ती हो गई है। वैसे मम्मी पापा का भी हाल है, ये मम्मी तो चल ही नहीं पा रही है, पाँव सो गया है, क्या हुआ। तो हम लोग का भी प्लान था, लेकिन लास्ट टाइम जब ट्रेन जाती है 4:30 बजे की ना, हमारी वाली ट्रेन छूट गई क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में हो गए, फंस गए मतलब। तो एक वो जो तुम्हारा ट्रेन में जाने का सपना था वो ख़राब हो गया है, बनिहाल वाली ट्रेन में जाने का सपना। तो अगर आपको कश्मीर का केसर और ड्राई फ्रूट खरीदना है तो ये श्रीनगर हाईवे पे, यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं जहाँ आपको ड्राई फ्रूट और केसर वगैरह मिलेगा, वो भी बहुत सस्ते में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर, बिल्कुल अंधेरे में पहुँचे थे और अभी खाना जस्ट खाया है, यहाँ पे एक वेजिटेरियन ढाबा था तो वहाँ पर खाना खाया और उसके बाद आगे होटल में, सामने है डल लेक, लेकिन अभी डल लेक का व्यू आपको दिखा नहीं पाऊंगा, कल सुबह हम लोग जब करेंगे श्रीनगर को एक्सप्लोर तो मैं आपको श्रीनगर का पूरा दिखाता हूँ पूरा नज़ारे। फिलहाल भी रूम दिखाता हूँ, रूम कैसा है तो बेटर है ना, रूम जैसे मतलब वहाँ था वो तो क्या कटरा में क्या था कि कटरा में मतलब भीड़ भाड़ इतनी है तो वो लोग ज़्यादा मेंटेन नहीं करते, उनके होटल चले जाते हैं, तो यहाँ हम श्रीनगर में आए, रूम के हालात बिल्कुल ठीक है, मतलब इतना कोई बुरा रूम नहीं है, अलमीरा लगी हुई है, दो एक बहुत प्यारी सी कुर्सियाँ और टेबल है और मज़े लगे हुए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसकी बालकनी है, ऐसे बालकनी है और सामने से का जो व्यू है ना वो है डल लेक का, वो सामने डल लेक है, इधर सारी सामने हाउस बोट लगी हुई है ऐसे और उधर पूरे के पूरे डल लेक। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके जो बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैला दीजिएगा। कल को देखेंगे श्रीनगर तो पूरी सीरीज जरूर देखिएगा, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अधिक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।